हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बढ़िया सी मटन दम बिरयानी। तो उसके लिए हमें चाहिए मेन इंग्रेडिएंट मटन। मैंने 1 kg मटन को लेके मैरिनेट करके रख लिया है। और ये है गार्लिक जिंजर कोरिएंडर लीव्स पेस्ट बना के रख लिया है मैंने। और टोमेटोस 3 टोमेटोस लेके काट के रख लिया है। ऑनियंस 4 ऑनियंस लेके अच्छी तरह उन्हें चॉप करके रख लिया है। ये है कार्डमम क्लोव्स और सिनामोन। और ये है थोड़ी ग्रीन चिल्ली, थोड़ी रेड हो गई है ये। तो ये है कार्डमम क्लोव्स बिरयानी मसाला है ये। और ये है लेमन्स। और ये है सभी तरह के बेसिक मसाले। तो इस बिरयानी में हम घी भी डालेंगे, ऑयल भी डालेंगे और बासमती राइस का भी यूज़ होता है। तो मैं सभी तरह के इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिएगा हमारी यम्मी सी मटन दम बिरयानी बन जाएगी। तो हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। मैंने बासमती राइस को 1 आवर हाफ एन आवर के पहले ही भिगो के रख लिया है। तो हम अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। देखिएगा एक पैन ले लिया है मैंने, पैन में ऑयल डाल दिया है। उसके बाद मैंने सभी तरह के खड़े मसाले डाल दिया है। ऑयल अच्छी तरह हीट होने के बाद ये देखिएगा मैंने इसमें सिनामोन कार्डमम और क्लोव्स डाल दिया है। बिरयानी में इस तरह से मसाले डालने से हमें अच्छी तरह इसका फ्लेवर आएगा, अच्छी तरह खाने में बहुत अच्छी तरह इसका फ्लेवर अच्छा होगा। ये देखिएगा मसाले अच्छी तरह पकने के बाद मैंने इसमें ऑनियंस डाल दिया है। ऑनियंस को मैं अच्छी तरह ब्राउन होने तक भून दूंगी। बिरयानी में ऑनियंस अच्छी तरह ब्राउन होने चाहिए। ये देखिएगा करीब मैंने 1.5 kg बासमती राइस लेके 1 आवर भिगो के रख लिया था। मैंने 1 kg मटन के लिए 1.5 kg बासमती राइस ले लिया है। ऑनियंस अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें मैं जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर पेस्ट डाल दिया है। आप जोन से भी बिरयानी पकाइए, अब बिरयानी में ऑनियंस बिल्कुल इस तरह ब्राउन होनी चाहिए कि बिरयानी बढ़िया रहेगी। को अच्छी तरह भून लीजिएगा। ये देखिएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह पक चुका है, मैंने अच्छी तरह भून लिया है, तेल ऊपर आ चुका है। तो इसमें मैं अब चिल्ली तैयार कर दूंगी। आपके पास पुदीना हो तो आप पुदीना भी इसमें ऐड करते हैं, ऐड कर सकते हैं पुदीना डालने से अच्छी तरह। और उसके बाद मैंने टोमेटो ऐड किया था। टोमेटो को भी मैं अच्छी तरह डालूंगी। ये देखिएगा मैंने मटन में आपको दही बताना भूल गई थी, तो दही भी मैं अच्छी तरह लगा के दही से अच्छी तरह मैरिनेट कर लूंगी। और मैंने इसमें पाइनएप्पल को डाला है। पाइनएप्पल डालने से पाइनएप्पल पीसेस को डाला है। आपका मटन अच्छी तरह गलेगा। तो एक टिप है मेरी तरफ से आपको। ये देखिएगा कितनी अच्छी तरह पक चुका है हमारा बिरयानी मसाला। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी भी डाल दिया है। घी डालने से आपकी बिरयानी बहुत अच्छी तरह टेस्ट आएगी। अब इसमें मैं
मटर भी डाल दूंगी। मटन के मिक्सचर को मैंने कुकर में ट्रांसफर कर लिया है। अब अच्छी तरह मैं कुकर का लीड लगा के 5 से 6 सीटी आने तक अच्छी तरह मैं इसे पका लूंगी, अच्छी तरह पका लूंगी। अब मैं इसका लीड लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने चावल को भी पका रही हूँ। एक तरफ तहिनी पक रही है मटन की और एक तरफ मैं बिरयानी के लिए चावल भी पका रही हूँ। ये देखिएगा, बिरयानी की ग्रेवी अब पक के रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने रेड चिल्ली, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट और लेमन जूस भी डाल दिया है। अब चावल में मिक्स करने के लिए ये रेडी हो चुकी है। गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है, तो हम इसका अब लेयर तैयार करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। देखिएगा, चावल कितने खिले खिले पक चुके हैं। तो मैं इसमें ये देखिएगा, चावल कितने खिले खिले पक चुके हैं। तो मैं इसमें मटन का एक लेयर लगा दूंगी, मटन ग्रेवी का। ये देखिएगा, मैंने मटन ग्रेवी का एक लेयर इसमें लगा लिया है। मैंने पहले चावल डाला था, उसके बाद मटन ग्रेवी का एक लेयर लगा लिया है, फिर मैं इस पे चावल का एक लेयर लगाऊंगी। देखिएगा, मैंने फिर चावल का एक लेयर लगा लिया है। चावल देखिएगा कितने खिले खिले हैं। बिरयानी के लिए ऐसे ही रहना चाहिए। फिर मैं इस पे एक मटन का लेयर लगाऊंगी। ये देखिएगा, हमारी लेयरिंग पूरी हो गई है। मैंने इसमें चावल का एक लेयर और मटन ग्रेवी का एक लेयर लगाया है। उसी तरह मैंने 3 लेयर लगा के इसे मैं अब अच्छी तरह इसका बंद करके स्टोव पे एक तवा रख के मैं इसे 15 मिनट के लिए दम करूंगी। इसे 15 मिनट के लिए दम करना है। अच्छी तरह पक के बिरयानी रेडी हो जाएगी। देखिएगा, हमारी बिरयानी पक के अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी मटन बिरयानी कितनी अच्छी तरह पक के रेडी हो चुकी है। कितनी अच्छी तरह चावल खिले खिले हैं। बहुत यम्मी और टेस्टी भी है ये खाने में। तो आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट कीजिए कैसी बनी है। जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ही मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकेंगे। तो बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।